अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक हफीज। पुलिस के हवाले से मुतादित सवालात हमारे जहन में आते हैं और खुसूसन जब मुहर्रमुल हराम हो, कोई त्यौहार हो, सिक्योरिटी के हवाले से। और इसके अलावा कुछ मीडिया भी बहुत सी चीज़ों को बताता है, सिक्योरिटी रिस्क बताता है, तो एक खदशा जनरेट होता है। उन तमाम खदशात के पेश नज़र पुलिस त्यौहारों पर क्या इकदाम करती है, थाना कल्चर किस हद तक तब्दील हो चुका है, इकदाम क्या हो रहे हैं, गश्त किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, तैनातियां कैसे की जा रही हैं और पुलिस आपके लिए क्या कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर जनाब शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। यू आर काइंड मेहरबानी सर। सबसे पहले तो पुलिस और पब्लिक का बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बदकिस्मती से एक डिवेल्प नहीं हो सका, अब कुछ डिवेल्प हो रहा है, उसमें जाहिर है आप लोगों का भी किरदार है, कुछ नए अफसर आए हैं, उसके साथ साथ कुछ असलाहत आ रही हैं और कुछ मीडिया भी इस हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तो आप देखते हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है आने वाले दिनों में बेहतर होगा और पब्लिक को पुलिस के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पुलिस किस तरीके से उसके साथ अब बिहेव कर रही है और आपके क्या ऑर्डर्स हैं? देखिए, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। पुलिस का काम जो है, दिस इज़ पुलिसिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों के लिए हमने ये काम करना होता है। हमारे क्लाइंट लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, सिटीजन्स हैं, आम शहरी है। उस हवाले से जो पहले गैप की आपने बात की, ज़रूर एक थोड़ा दूरी का एलिमेंट था, एक खौफ का या फिर का एलिमेंट था। ओवर द ईयर्स ये चीज़ें डेवलप हुई थी, ओवर द डेकेड रादर आई वुड से, और वक्त के साथ साथ ये रियलाइज़ हुआ हमारे लेवल पे भी, पब्लिक के लेवल। तो वक्त के साथ साथ तमाम एफर्ट्स की जा रही हैं कि पुलिस का कॉन्फिडेंस जो है लोगों का, वो एतमाद पुलिस के ऊपर कायम हो। हमारे जो रवैये की वजह से किसी को शिकायत होती थी वो कम से कम हो, और हम जब काम कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, दिन रात ड्यूटी पर मौजूद हैं। पुलिस इज़ ओनली डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला डिपार्टमेंट है। कोई त्यौहार हो, छुट्टी का मौका हो, जब पूरे तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग खुशी या छुट्टी मना रहे होते हैं तो पुलिस ड्यूटी पे मौजूद होती है। तो इस हवाले से इतनी कंट्रीब्यूशन, एफर्ट्स और कुर्बानियों के बावजूद जो गैप का एलिमेंट था वो महसूस किया जाता था। तो उस हवाले से हमारी बड़ी डिलिबरेट कोशिश है, डायरेक्शंस हैं कि इस गैप को कम किया जाए, लोगों को एतमाद में लिया जाए, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखा जाए और अच्छे शहरी को, अच्छे सिटीज़न को, शरीफ शहरी को प्रमोट किया जाए। और जो कानून की पासदारी पे यकीन नहीं रखते या कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके हवाले से सख्त रवैया। और इसका नाजायज़ फ़ायदा भी कुछ लोग उठाते हैं, तो उसके लिए कुछ है सज़ाएं वगैरह? देखिए, वो जब किसी सोसाइटी में चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो जायज़ नाजायज़ कमी कोताही एक्सेस और कमी ज़रूर होती है, तो हम चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं और उस हवाले से जब भी कमी कोताही नोट्स में आती है हम फॉर एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक नया तजुर्बा किया गया, खुसूसन लेडी मुहर्रर और इसके साथ साथ SHO भी, माजी में भी एक SHO लगाई गई, तो क्या ये तजुर्बा कामयाब रहा और आने वाले वक्त में इसको कंटिन्यू करने का इरादा है? जी बिल्कुल, चूँकि फीमेल हमारी सोसाइटी का बड़ा रिस्पेक्टेबल पार्ट है, 50% प्लस हमारी फीमेल पॉपुलेशन है, और सिमिलरली पुलिस में ज़्यादा उनकी प्रेजेंटेशन उतनी नहीं है, कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इसको मैनली जॉब समझा जाता है। लेकिन जो हमारी बहनें बच्चियाँ मौजूद हैं पुलिस के डिपार्टमेंट में, उनको हम आगे लेके आना चाह रहे हैं, उनको जिम्मेदारियाँ सौंपना चाह रहे हैं। आई साहब का बड़ा अच्छा विजन था, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक DPO खातून को लगाया, बड़ी कॉम्पिटेंट खातून है, हमारी कलीग हैं। इसी तरह जो हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है तो हमने उनको मुहर्रर के तौर पे अब इनिशिएट किया है। मकसद उसका यही है कि बच्चियों को, फीमेल्स को एक्टिव पुलिसिंग का पार्ट बनाया जाए और उस हवाले से उनका जो जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, निभा सकती हैं, रोल प्ले कर सकती हैं, तो वो रोल प्ले करें और निगलेक्टेड फील ना करें कि बीइंग फीमेल उनको जिम्मेदारी दीजिए। अच्छा, एक मर्द सबॉर्डिनेट रह सकता है किसी औरत के, खातून के, उसकी जो साइकी है उसको एक्सेप्ट कर सकते? देखिए, इसमें ना अखलाकी तौर पर कदगन है, ना मजहबी तौर पर कदगन है, ना ही कानूनी तौर पर कदगन है। मर्द और औरत अपनी अपनी उनकी जिम्मेदारी है, रिलीजियस या आप कह लें जो सोशल डोमेन है, लेकिन लीगली स्पीकिंग हर बंदा हर काम कर सकता है। जो जिम्मेदारी एक मर्द निभा सकता है वो औरत क्यों नहीं निभा सकती? और जब ख्वातीन पाकिस्तान की बाकी शुबा है ज़िंदगी में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही हैं तो पुलिस में क्यों नहीं कर सकती और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? बस अब मकसद ये था कि हम उनको जिम्मेदारी दें, उन पर ट्रस्ट करें, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये तजुर्बा कामयाब होगा। पहले क्यों नहीं उन पर ट्रस्ट किया गया, ये नेगलिजेंस है डिपार्टमेंट की? ये ना भाई, आप कह लें कि ओवर द ईयर्स चूँकि एक डिफ़िकल्ट जॉब है, दिन रात की ड्यूटी होती है और सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी एक हार्ड सख्त फैसलों की मुतकाजी होती हैं। उस वाले से वक्त के साथ साथ ये चीज़ रियलाइज़ हुई है और अब इंशाल्लाह ताला इन पर पूरा ट्रस्ट भी किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उनको हेल्प की जा रही है ताकि वो जिम्मेदारी निभाएं। अच्छा, अभी क्या मतलब गश्त के हवाले से कुछ शिकवे शिकायत आते हैं लोगों के, खुसूसन एहलकारों के,
फिर एस एच ओ उसके पेट्रोल मतलब नहीं मिल रहा, या उसके अलावा उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रही, या उनके पास गाड़ियों की किल्लत है, तो क्या इस पर भी कुछ इकदाम किए गए हैं, फैसिलिटेट किया गया है? ये एक बड़ा लंबी डिबेट का मतकाजी सब्जेक्ट है। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उस हवाले से उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने सारी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ सोसाइटी को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, स्टेट को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वक्त से साथ साथ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई भी है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो रिक्वायरमेंट हैं पुलिस की फाइनेंशियल, इसी तरह जो अदरवाइज इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमें इम्प्रूव करना है। हमें पेट्रोल ज़्यादा देना होगा, हमें उस वाले से बजट रिसोर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, गाड़ियों की कंडीशन बेहतर करनी होगी। जहाँ पे हमारे पुलिस मुलाजमीन काम करते हैं वो वर्किंग कंडीशन हमारी पोर हैं, उनको इम्प्रूव करना होगा। थोड़ी तवज्जो ज़रूर हुई है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, ये जब भी हमारा PSL आता है या कोई और इवेंट आता है तो इसमें स्पेशल हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अफसरान को बुलाते हैं, अहलकारों को बुलाते हैं, इसका मतलब नफरी कम है लाहौर में? लेकिन लाहौर में जो नफरी मौजूद है वो, अगर हम बात करें, एक UN का स्टैंडर्ड है पुलिसिंग का, वो 1 to 400 होता है कि 400 इंडिविजुअल्स के ऊपर, 450 इंडिविजुअल्स के ऊपर एक पुलिस अफसर होता है। हमारी जो नफरी की सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो एक बड़ी पुरानी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, उसमें भी इजाफा करने की ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दो, ये पुलिसिंग रिक्वायरमेंट है रूटीन की एक्टिविटी के लिए, लेकिन जब कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट आ जाता है, लेट्स से यहाँ पे कोई इंटरनेशनल समिट आ जाए जिसमें डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट होंगे, तो ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी की मल्टीप्लाई होगी, डिफरेंट होगी, एनहांस्ड होगी। इसी तरह क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ जिसके बाद क्रिकेट बंद हुई। अब जब क्रिकेट रिवाइव की गई नई इन टूर्नामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीम्स ने आना था तो हमने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोशिश की कि किसी भी किस्म का सिक्योरिटी के अपरेटस में कोई कमी या झोल ना रह जाए। उस हवाले से रिसोर्सेज को रीइंफोर्स करना पड़ता है और ये एक रूटीन एक्टिविटी है। या इसी तरह लेट से कोई और भी इशू हो, ना भी टीम आ रही हो, कोई और बड़ा मेगा इवेंट आ जाए, तो हम रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं और रूटीन प्रैक्टिस। हमारी पुलिस यूरोपियन कंट्रीज़ की या सिविलाइज्ड कंट्रीज़ की पुलिस के कल्चर को और उसके मेयार को मीट क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, ये अगेन बड़ी इसमें तवील गुफ्तगू की जा सकती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड शायद उतना परफॉर्मेंस का नहीं है। इसमें किसी हद तक कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट्स को करने वाली हैं, सोसाइटी की करने वाली हैं। अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर कि पुलिस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती हैं। पुलिसिंग एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है और ये एक डिपार्टमेंट नहीं है। पुलिस हम समझते हैं एक डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी में पीस को कायम करने का वाइस सिक्योरिटी है, ना सिर्फ सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें पुलिस ने डील करनी होती हैं। इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जब ये एक्सपेक्ट करते हैं, बात करते हैं कि पुलिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक परफॉर्म करना चाहिए, तो हमें वो रिसोर्सेज भी देने होंगे, हमें वो मैन पावर भी देनी होगी, हमें वो इक्विपमेंट भी देना होगा, हमें वर्किंग एनवायरनमेंट भी देना होगा। इसकी आप कंपैरिजन ऐसा कर लें कि इसी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन बना जिसको मोटरवे पुलिस कहते हैं, वो जब डेवलप हुआ तो उसको एक नया एनवायरनमेंट दिया गया, नया वर्क कल्चर दिया गया, ड्यूटी आर्स फिक्स किए गए, इक्विपमेंट दिया गया, ऑफिसेज बेहतर किए गए, गाड़ियाँ नई दी गई, रिसोर्सेज बेहतर दिए गए, सैलरीज कंपैरेटिवली बेहतर। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं है। वो जिसको चाहते थे, जो कानून की खिलाफवर्जी कर रहा था, एविडेंस मौजूद होती थी, कैमरा था, उसको चलान कर दिया जाता था, तो उसी डिपार्टमेंट ने बेहतर परफॉर्म किया, हालांकि इसी सोसाइटी में वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पुलिस आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकती, स्पेस में ऑपरेट नहीं कर सकती। हम इसको जितना आज़ाद कर देंगे, जितना इंडिपेंडेंट कर देंगे रिसोर्सेज के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, सोशली, उतना पुलिस बेहतर होती जाएगी। और हमें, मैं समझता हूँ, ये इस हाई टाइम वक्त आ गया है कि इस मुल्क में तरक्की को आगे ले जाने के लिए, कंट्री के सोशल नॉर्म्स को आगे ले जाने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट का कल्चर क्रिएट करने के लिए, पीस ऑफ माइंड क्रिएट करने के लिए, लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हमें इस डिपार्टमेंट को इंडिपेंड। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी मुख्तलिफ क्रैकडाउन किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, और फिर उसके अलावा सेफ सिटीज़ की जानिब से कैमरे भी लगाए, उससे कोई मदद मिली है? और दूसरा, जो 15 की कॉल्स हैं या जो सोशल इशूज़ हैं या जो माशरती बुराइयाँ हैं, उसको ख़त्म करने के लिए लोग तआवुन करते हैं पुलिस के साथ? देखिए, जो पहला पार्ट आपका क्वेश्चन है, का है कि कैमरास और सेफ्टी के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट आई।
ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इनिशिएट हुआ है, अभी इन्फोर्स हो गया है, स्टार्ट हुआ है इसका, बहुत सारी चीज़ें इसकी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं वक्त के साथ साथ। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग पुलिस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ज़ाहिर है एविडेंस मौजूद होगी, कैमरेज होंगे और बेशुमार जगह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ईयर एक टेररिज्म का वाकया हुआ था माल रोड के ऊपर, इसी के जरिए से फौरी तौर पर इन फ्यू डेज बंदे पकड़े गए थे। ज़ाहिर जब चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, हमारे पास मौजूद होती है, तो उसको ट्रैक बैक किया जा सकता होता है। ट्रैफिक की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी लेयर एस्टेब्लिश करने के हवाले से, या कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है उसको रिट्रीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्पफुल सिस्टम है। पूरी दुनिया में स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका हुआ है, उसमें कैमराज एक मेजर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उस चीज़ का, तो इसकी बड़ी मदद रहेगी और वक्त के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस जैसे जैसे सिंक्रोनाइज होती जाएगी पुलिस की वर्किंग में तो बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं इस हवाले से, मैं ये गुजारिश करूँगा कि पुलिस के ऊपर मैं समझता हूँ कि आम आदमी का कॉन्फिडेंस वक्त के साथ बढ़ रहा है और बहुत सारा जो एक इंफॉर्मेशन गैप था, ये शेयरिंग के हवाले से कॉन्फिडेंस के ट्रस्ट का गैप था, वो वक्त के साथ कम हो रहा है। हमारी मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से भी बड़ा क्लियर मैसेज देंगे कि किसी को कोई अपने इलाके में सोशल क्राइम के हवाले से या किसी ज्यादती के हवाले से कोई चीज़ नोट्स में आए तो प्लीज़ से ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम उसको वेरीफाई ज़रूर करेंगे, वेरीफाई करने के बाद जो उसमें मेरिट के मुताबिक होने वाला ज़रूर करेंगे। सोसाइटी इंडिविजुअल्स आईज़ एंड ईयर्स हैं पुलिसिंग डिपार्टमेंट की, और लॉ ये कहता है कि हर इंडिविजुअल भी एक पुलिस अफसर है, एवरी सिटीजन इज़ अ पुलिस अफसर। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो खिलाफ कानून है अपने सामने होते हुए देखता है तो उसका काम है कि उसकी कॉन्फिडेंस ले और मुतल्लिका पुलिस को इन्फॉर्म करे। जब ये लेजान बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी तो सोशल क्राइम हो या दूसरा क्राइम हो उसको ख़त्म कर। अच्छा, थानों से टाउट माफिया का राज खत्म हो चुका है सर? हमारी बड़ी वाजी डायरेक्शंस हैं कि किसी को किसी के मामले में दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं, जिसका जो मामला है उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पुलिस उनका अपना डिपार्टमेंट है, स्टेट का डिपार्टमेंट है, उसके पास आएँ, जो उनका काम होने वाला वो हो जाएगा। मत किसी के झांसे में आएँ, ना किसी के झांके में आएँ और आके जो उनका मामला है मुतलका, यहाँ पर लाहौर में बड़ा एलैबोरेट सिस्टम है। ओवरऑल ऑपरेशंस की ब्रांच को मैं हेड करता हूँ, हमारे 6 SPs हैं जो इंडिपेंडेंट अपने अपनी वर्किंग में और अपने अपने एरिए में, जहाँ जिस जो समझता है कि मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है वो पुलिस के मुतल SP के पास जाए और अगर उसकी ज़्यादती रेक्टिफाई नहीं होती मेरे पास भी आ सकता है, तो हम अवेलेबल है और ओपन डोर पॉलिसी हमारी, जो आता है उसकी बात सुनते हैं और वेरीफाई करते हैं, मेरिट पे उसकी पूरी मदद की जाती है। अच्छा, ये अभी कल बाबू साबू इंटरचेंज के पास चौक को ब्लॉक किए रखा, प्रोटेस्ट किया गया, उनका शिकवा ये था कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, तो FIR दर्ज होने में जो हायल रुकावटें हैं इसका मतलब वो अभी दूर नहीं हुई? देखिए, मैं कहता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई और उसको ज़ख्मी किया, अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट के बावजूद वो जहाँ मरना हो सका, उसकी FIR भी फौरी दर्ज कर दी गई थी और एक्यूज भी गिरफ्तार था। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है एक हीनियस इंसिडेंट है जिसकी फैमिली के साथ ये एहसान है गुजरा है, वो उसकी फीलिंग जज्बात और होते हैं, उस हवाले से वो हाईलाइट करना चाह रहे थे, वो आए तो हमने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया कि उनके जज्बात इस तरह के हैं, गुजारिश की उन्हें कि जी आपकी FIR भी ऑलरेडी चूँकि दर्ज है, बंदा भी गिरफ्तार है, अब उसको जो सज़ा होनी है वो दारा कानून के प्रोसीजर के तहत होनी है। उनकी डिमांड ये थी या उनका कहना ये था कि अगर वो जैनब वाले केस में अब तक फांसी हो चुकी होती तो शायद लोगों को उसमें दोबारा किसी कोई ज़रूरत ना होती, लेकिन दारा वो एक लीगल प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो दारा किसी को बाईपास नहीं किया जा सकता, तो लेकिन हमारी तरफ से फौरी तौर पर इस पर FIR भी दर्ज की गई और बंदा भी गिरफ्तार है। ठीक है, नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का।